वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ब्लॉग मेरे एंगेजमेंट शॉपिंग सीरीज का फर्स्ट ब्लॉग होगा, क्योंकि मेरा लहंगा तो आ चुका है बट वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो सीधा एंगेजमेंट वाले दिन पे ही देखेंगे आप। तो आज हम जा रहे हैं ईशू का लहंगा देखने के लिए। मम्मी तो बाद में शॉपिंग करेगी, मम्मी कह रही है। तो आज ईशू के लिए हम कौन सा लहंगा सिलेक्ट करते हैं और क्या क्या पसंद आता है उसे, हम वो दिखाएंगे इस ब्लॉग में। और ऐसे धीरे धीरे, वैसे अभी तो काफ़ी टाइम है एंगेजमेंट को, लेकिन हम धीरे धीरे शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक साथ ज़्यादा बर्डन ना आ जाए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट्स भी होती है। जैसे आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ और अर्ली मॉर्निंग ही मेरी फ़्लाइट है। सो लेट्स गो। और अभी ईशू से भी लगे पूछेंगे कि उसकी एक्साइटमेंट कैसी है। तो अभी जैसे सिबलिंग्स में और बहन भाइयों में लड़ाई होती है, वैसे हम दोनों में भी हुई थी। जाने के लिए इतना किरकिर, इसका ही लहंगा लेने जाना है और इतना किरकिर कर रही है क्योंकि मुझे सोनोग्राफी कराने जाना था और इसे सुबह से कुछ खाया नहीं है, सोच के कि सोनोग्राफी करवाऊंगी। मैंने मेरा पीबी होल्ड करके रखा था क्योंकि सोनोग्राफी कराना था एंड मोमेंट पे, लोग बोल रहे शॉपिंग जाना है। तो मम्मी ने अचानक से प्लान बनाया कि चलो नहीं इसका लहंगा लेकर आते। तो मम्मी ने कहा कल इसको लेके चली जाएगी मम्मी सोनोग्राफी करवाने के लिए। तो इसका थोड़ा अभी गुस्सा शांत हुआ है, खाई पी है, तो अभी हम जा रहे हैं। वरना मैं तो इसको मुझे व्लॉग करने भी मना कर। हाउ इज द एक्साइटमेंट? चल मुंह टेढ़ा कर कर के बात कर। ठीक है, डोंट सर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ आर यू फीलिंग कि तुम्हारी बहन की सगाई हो रही है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। थोड़ा जोर से बोला कर व्लॉग में। मेरे पास वर्ड्स नहीं है स्पीच में। तू कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती। इसके लिए हमें एक लहंगा पसंद आया बट वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट जा रहा था। वो 15,000 कुछ बता रहे थे और कम भी नहीं कर रहे थे, हमने हमारा लास्ट प्राइस भी रख दिया था। नाउ लेट्स सी आगे कौन सा, क्योंकि मुश्किल से इसके लिए पसंद आता है। मम्मी भी परेशान हो जाती है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। क्या कि हमें पसंद आ गया तो उन्होंने प्राइस बढ़ा के बताया। और भी तो होगा ना लहंगा, बता देना। नहीं पहने है अच्छी लग तो फाइनली हमें लहंगा पसंद आ गया है, लेकिन रेट की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले प्राइस तो ऐसे उनको रेट बराबर लगा रहे हैं। इशू की होप जाग चुकी है, नजर ही उजरी है। 5th November है और फाइनली आज मेरा आउटफिट रेडी होके आ जाएगा। पिछले दो बार मैं गई थी बट वो रेडी नहीं था। एक बार वो पीस ही नहीं था, दूसरी बार उसने आउटफिट में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। और अब मैं जा रही हूँ वापस, और मेरे घर से थोड़ा दूर है वो, तो फिर आना जाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। बट और अभी मेरी छुट्टी भी है तो मैंने सोचा मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब मेरी फ़्लाइट वापस लग जाए। आउटफिट हमने उठा लिया है और अब हम जा रहे हैं हमारी ज्वेलरी देखने के लिए। तब तक इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इट्स वेरी हैवी। तो आज है भाई दूज और मैं चाह रही हूँ अपनी एंगेजमेंट ज्वेलरी लेने और अंकित की शेरवानी लेने। मेरा लहंगा उनके घर पहुँच चुका है, अब उनका शेरवानी और उनका शेरवानी मेरे घर आएगा। फिर एंगेजमेंट वाले दिन हम एक दूसरे को दे देंगे। तो अभी जाना है एंगेजमेंट ज्वेलरी देखने और पता नहीं जैसे जैसे दिन पास आ रहा है, लास्ट 10 to 12 डेज से मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। तो लास्ट 10 to 12 डेज से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, कभी सर्दी कभी खांसी तो जा ही नहीं रही है, और फीवर आ रहा है, वीकनेस, मतलब मुझे लिटरली लग रहा है मेरी एनर्जी
ड्रेन हो रही है, अब मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन। मैं कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ी, सर्दी जुकाम होता रहता है क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में भी हूँ, पर वो चला जाता है 3-4 दिन में, बट दिस टाइम बहुत एक्सट्रीम हो गया है। दिवाली वाले दिन भी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इतना ऐसे लो फील हो रहा था। अब देखते हैं कैसे कैसे जाता है, क्योंकि एक तो मैं गेनिंग पे भी थी, आई वॉन्टेड टू गेन वेट अपने एंगेजमेंट के लिए। अब एक साथ इतनी बीमार पड़ गई हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है चलो देखते हैं कैसा, मतलब मैं क्या ज्वेलरी चूज़ करती हूँ, आपको ट्राई ऑन्स करके ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने तेल लगाया था तो मुझे बाल धोना नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे बन बांध दिया है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ज्वेलरी हमने ले लिया, उन्होंने हमें वीडियो निकालने से मना किया था, तो फाइनली जहाँ मेरी फ्रेंड है उसकी शादी होने वाली है, तो उसने मुझे बताया जो शॉप में, वही शॉप में ली और वही हमें पसंद भी आ गया। तो पर कलेक्शन है अच्छा, आप आ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि वो फिक्स प्राइस ही देगा, लेकिन प्राइस ठीक है उसका अच्छा, जो आप नेट वगैरह पे देखोगे हाँ वैसे ही, या नॉर्मल मार्केट में देखोगे नहीं उसी से कम है, ब्लिंग बैग पे वैसे ही प्राइस था ना हाँ, पर उसमें चूड़िया वगैरह कहाँ थी, इसमें पूरा सेट आ गया था, पूरा मांग टीका वगैरह सब आ गया। तो अभी इसकी तो अभी इसका काम हो गया, अभी जाएंगे मेरी शेयर मतलब मेरा आउटफिट, अभी जाएंगे मेरा आउटफिट लेने, तो वो लेके ये चली जाएगी घर, और मैं अंधेरी जाऊँगा, मेरे को अंधेरी से भी कपड़े उठाने हैं, और उसके बाद मैं मीना उठ जाऊँगा, ठीक है चलो। तो अब हम इनका आउटफिट उठाएंगे और यहाँ से ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि इन्होंने मेरी ज्वेलरी भी रिटर्न नहीं की। तो हमने आउटफिट ले लिया है और अब ये जाएंगे अंधेरी और मैं जाऊँगी मीरा रोड वापस। दिखा दो, अच्छा लग रहा है, और हमें पता नहीं था कि हम दोनों का आउटफिट इतना कलर मैच करेगा। अभी मैंने ब्लाउज और ये मैच करके देखा तो काफ़ी ज़्यादा ही ट्विनिंग हो रही है अब तो, लेकिन ठीक है अच्छा ही लगेगा। तो हो गए अंधेरी, मैं जा रही हूँ अपने घर और हो गई है शॉपिंग फाइनली सब कुछ, और बस अभी वेट है उस दिन का जिस दिन एंगेजमेंट हो, जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे और बस अब जाते हैं घर। कुछ कुछ और प्रेपरेशन जो हम करेंगे मैं उसका भी वीडियो क्लिप्स लेकर ये एक ब्लॉग बना लूँगी एंगेजमेंट प्रेपरेशन, तो ताकि ऐसे टुकड़ों में ना मिले आप लोगों को ब्लॉग और आप लोग कनेक्ट कर पाए कि ये पूरा एक ब्लॉग ही एंगेजमेंट प्रेपरेशन का है ऐसा। तो हमारी मासी भी गांव में शॉपिंग करती है, उनकी हो गई है, बस मम्मी बची हुई है और आज उनकी भी शॉपिंग हो जाएगी है ना। वो क्लैरिटी वैसी आ रही है मेरे ऊपर कैसे आ रहा है, अच्छा आप स्माइल करोगे तो आपके ऊपर भी आ रही अभी एक शॉप हो गया है, वहाँ पसंद नहीं आया, अब दूसरी शॉप में जा रहे हैं। ये दोनों में से एक कलर अच्छा लगा ना, मुझे तो यही अच्छा लगा, देख ना भाई। हाँ नहीं। शॉपिंग में ये भी आ गए हैं बीच में देखने के लिए कि हम क्या ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी करेंगे है ना, कॉपी करोगे ना हमारा प्रेपरेशन, जो भी हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उसको कॉपी करने आए हो ना। क्या कॉपी करने, मैं तो मेरा फोन देने आया था, मेरा फोन मिल रहा है। तो हमें साड़ी पसंद आ गई है, अब मम्मी बार्गेनिंग कर रही है कि देखते हैं कितना कम करते हैं। अरे अभी काला लेकर हो गई, अब हम यहाँ पे ज्वेलरी ले आए मम्मी के लिए, तो जो प्राइस अभी मलाड में मिल रहा था यहाँ पे उसका ट्रिपल प्राइस लगा के रखा है, लेट्स सी अभी वो बार्गेनिंग करती है और थोड़ा सा कुछ कम करती है या नहीं। मैं आपको कुछ पीसेस दिखा देती हूँ,
ले लो। क्यों? तो मैं अभी एंगेजमेंट प्रिपरेशन वाली वीडियो फाइनली आज वाले दिन ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि कल ही फंक्शन है और कल मैं फ्लाइट करके आई, मतलब 30 को, और आज 1 है और अभी सब तैयारी चल रही है, मतलब थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग चल रहा है जो लेने देने वाला होता है फॉर्मेलिटीज़। तो मैं आपको उसका क्लिप दिखा देती हूँ। शाम को मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, सिंस मैं कैबिन क्रू हूँ तो मुझे रियल मेहंदी मैं नहीं लगा सकती क्योंकि वो बहुत देर में छूटती है, तो मैंने टेम्प्रेरी मेहंदी लेकर आई हूँ रेड कलर की, तो वो हाथ में लगेगी और रियल वाली पैर में, क्योंकि पैर में एनीवेज सॉक्स होता है तो वो इतना विजिबल नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। अभी इंदौर से कॉलेज बंद करा रहे हैं। हाँ नहीं वो अलग अलग, हाँ टेम अलग अलग दे भाई, टेम मशीन कट ऑफ कर दो, मेरी टेम मशीन अगर पटाक से ऐसे रखो तो देखने में ऊंचा ऊंचा लगेगा। और ऐसे कहते हैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट दिन आता है पिंपल्स आ जाते हैं और आ गया। और जैसे मुझे एक्चुअल मेहंदी अलाउड नहीं है, ये मैंने टेम्प्ररी लगवाई हुई है जो 2-3 दिन में चली जाएगी, होपफुली चली जाए। और अब देख बताना कैसी लगी, दोनों लोग हाथ में डिज़ाइन सेम ही है, बस ये वाली फ्रंट वाली अलग है। और पूरा घर इतना क्योटिक हो गया क्योंकि मेरे गाँव से भी सब रिलेटिव्स आए हुए हैं, मेरी दोनों बड़ी मासी आई हैं, मामा आए हुए हैं, तो सब कुछ बहुत फैला पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तीन दिन पहले तो कल यहाँ चल रहा है, रात को तो लाया ना, पूछे तो 4 बजे। अरे भाजी वाला कहाँ पका था, जो भाजी में डाले वाला कुछ नहीं हुआ। तो मैं अभी जा रही हूँ हॉल में, मैं सूट पहना हुआ है, मेरी उर्वी उर्वी भी आ गई है, पीछे मम्मी चिल्ला रही है हमेशा की तरह, आ रही मम्मी, ये रही मम्मी, हाय हेलो करो मम्मी, ऐसे देखती रही और अभी आ रही है, और ये रही इशु, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, वी आर लेट। चलो आंटी मुझे फोन करना अगर आप। तो अभी हम होटल बोल रही हूँ, हॉल के रूम में जो हमें चेंजिंग के लिए दिया हुआ है, और वो यहाँ पे रेडी ब्राइट रूम में है, ब्राइट रूम ये अभी रेडी हो रही है, और ईशो वहाँ पे लेंस लगा रही है, जो पंखा बंद करके लगाएगी तो तुझे ड्राई कम फील होगा बेटा। और मैंने ये येलो सूट पहना है शुभ करने के लिए। बाय द वे आई विल टेक ओवर लेटर। क्या लेगी? बाद में मैं आपका ब्लॉग ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारे मोमेंट्स आपको दिखा सके। तो कुछ देर बाद उर्वी टेक ओवर करेगी ब्लॉग को, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अच्छी हिंदी में बात करूं। ये 2028 प्लीज अवॉइड करो ये सब। तो अभी मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं रेडी होने। पागल है तू, नीचे कौन है, कौन है मंदिर सिंगिंग में जरा किसका और अभी तेरे को इसमें नजर नहीं लग रही, ये तो तू म्यूट कर देगी ना, ये ले। अभी मेरा आई मेकअप हुआ है और अभी भी मैं थोड़ी सी भूत लग रही हूँ, बट आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये रही मेरी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट शिफा, ये भी मीरा रोड में रहते हैं, तो मैं आपको इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको चाहिए होगा तो आप और इनका यूट्यूब चैनल भी है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या चैनल का नाम क्या है? शिफा सुजैन। शिफा सुजैन। अभी ईशु का मेकअप हो रहा है, मुंह देखा स्माइल कर रही है धीरे धीरे। कैसा लग रहा है ईशु? अच्छा लग रहा है, मैं तो पहली बार वैसे कोई मेकअप करवा रही हूँ। इट्स ईशूज़ फर्स्ट प्रोफेशनल मेकअप गाइस,
She needs so much of it. भी रेडी हो गई, उसने आधा मुंह में पान खा लिया है, आधा बाकी है। यहाँ पे किसी के पास रेड लिपस्टिक नहीं था, सो रेड तुम भैया। टू मेनी कैरेक्टर्स इन द फ्रेम, गेट इट? आई कांट हेल्प इट। खाना बड़ा बड़ा वाइट मानना अनबिलीवेबल इशू। अच्छी लगती है, चुप कर। तू क्या बोलेगी अभी कैमरे वाले को, क्या बोलेगी कि बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरे से फोटो ले? कि मेरे शादी के टाइम पे भी कैमरा वाले को नहीं नहीं हमें फ्रंट कैमरा से चाहिए। जानवर है भाई, एनिमल, फीमेल वर्जन ऑफ एनिमल। रील वाले एंगल से हटा दे, रील वाले एंगल से भी लेना। ओके दिखा दे, मौसी को भी दिखा दे। नमस्ते नमस्ते आंटी, स्माइल भी कर दो। इशू खाना बंद कर दे। हाँ फोटोज के लिए कॉल आया मुझे दो बार, वरना फोटो ठीक टाइम हो जाएगा पूजा के लिए तो फोटो रह जाएगा। आंटी इज हियर, माय गॉड। आंटी क्या, जिसकी शादी में हम गए थे। How are you? I'm good. अच्छा मुझे एक सेकंड। तो सेटिंग आप खा रहे कैमरा में? टेढ़ा हो गया कैमरा। ये जो आप जो राइट ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं शू
How are you feeling? Guys, I am ready. Your bride is ready. Your engagement bride is ready. Yes. मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ या कैसी लग रही थी, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक ये दिन चला जा चुका होगा, बट ये मेमोरी हमेशा रहेगी। तो मैं चाहती हूँ आप सब इस मेमोरी का बहुत अच्छा हिस्सा बने और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, और अगर क्रिटिसाइज करना हो तो आज के दिन मुझे बख्श दें, आज के दिन क्रिटिसाइज ना करें। हियर इज रिया, हर बैचमेट, डेस्क मेट, कलीग, एवरीथिंग, जस्ट नॉट हर बेस्ट फ्रेंड, नॉट द बेस्ट फ्रेंड बट एवरीथिंग। फ्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड। ओके गाइस, सो ये दोनों मुझे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में और ये गोल्डन में, गोल्डन में, और पिंक वाली बाहर है, बट वी आर एक्चुअली लुकिंग गुड, वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट हर बेसिकली। तो आपसे मैं कुछ देर बाद मिलती हूँ, अभी मेरी एंट्री होगी, वो भी वीडियो अगर आप वायरल कर रहे तो अच्छी बात है, पता है आप बोलेंगे ओवर एक्टिंग कर रही है। दिस इज मी गाइस, दिस इज मी, दिस इज नॉट इवन लिटिल बिट ऑफ व्हाट शी डज, दिस इज जस्ट चलिए हम तक के। या सो गाइस, आप लोग रिया से मिल चुकी हो, बाकी दोनों भी आ गए हैं, खुशबू और मौसम, मुंह खोलो ना कुछ बोलो, नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है इसको देख लिया है साक्षात देवी को, तो अभी एक मिनट इसको मुंह खोलने नहीं हो रहा क्योंकि इसको भूख लगी है और जी कैसे कबाउडस फूड रहा है, चक्कर आ रही है, मुझे चक्कर आ रही है, तू ऐसा बोल रही है और बस कुछ नहीं आ रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको भूख लगनी चाहिए, टाइम कर गया है, इसको सब आ रहा है। सो मैं दोपहर का खाना खाई हूं ये सोच के कि यहां पे खाऊंगी, एक मिनट मैं चक्कर आ रही है, बड़ा चक्कर आती है। How are you feeling? उसको लेके उसको भाग गया मनीष क्या है? अकेला भी कट रहा है, अकेला नहीं जा रहा, कुछ नहीं करना पड़ता या चुनी कमाई ब्लेसिंग्स। तुम लोग अगर कुछ भी इसमें खटक रहा है तो अपने अंदर ही रखो, प्लीज़ शेयर मत करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी, एंड आई एम
एम वेरी प्राउड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने कभी नहीं सोचा था कि शी विल पुल अप दिस हार्ड. वेट वेट वेट, आपके बाल थोड़े फिर से. सॉरी गाइज, ये सब ना बहुत फैला हुआ है. मैंने अभी लैशेज वैशेज निकाली है, अभी जस्ट घर पे आई हूँ, सब कुछ अनपैक किया हुआ है और एंगेजमेंट ब्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म. आई होप आप, मैं आपको जितना भी बता पाई थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी तो सिर्फ मेरी बहन और ईशू और उर्वी ही दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे जो कुछ था, और आजू बाजू वालों से क्लिप्स लेकर मैं ये ब्लॉग बनाया, पूरा मैंने बनाया. तो बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमेशा दिल से ज़रूर दीजिएगा, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है. और जो चीज़ कोई गिफ्ट नहीं कर सकती वो आशीर्वाद करती है, तो हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा. तो आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए. लव यू, बाय.